शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। बालोद की गंगा मैया सिया देवी समेत जिले के प्रसिद्ध मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर माता के चरणों में मत्था टेकने पहुंचे, जहां मंदिर समिति की कोरोना गाइडलाइन नियमों का पालन करते हुए उन्हें दर्शन करने का मौका मिला। गंगा मैया मंदिर में करीब 850 ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही जिले के प्रसिद्ध मंदिरों में 2000 से ज्यादा ज्योति कलश की स्थापना की गई है। जिले में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने इस बार भी गंगा मैया मंदिर में मेले के आयोजन पर रोक लगाई है। और मुझे लगभग 8 साल हो गए, 8 साल बाद मंदिर में दर्शन करने आया हूँ। और मैं माता से जो भी मनोकामना पूर्ण करने आया हूँ वो तो खैर बताते नहीं, वो तो रखते अपने तक। और वहाँ से यहाँ आके इस कोरोना काल में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगा वहाँ से आके हमें दर्शन करते हैं। परिचय, मेरा नाम नमन श्रीवास्तव है और मैं दुर्गचा हूँ। माहौल बहुत अच्छा है और हम लोग हमेशा यहाँ पर आते रहते हैं पिछले 2 साल को छोड़कर। और यहाँ पर जो भी मनोकामना हम लोग जो भी मांगते हैं इस तरह से वो गंगा मैया पूरा करते हैं इसमें। और अभी हम लोग जोत भी रखा है यहाँ पर और वाइफ का ट्रांसफर भी हुआ, इसी के कारण यहाँ पर हम लोग हमेशा आते हैं। तो यहाँ पर का माहौल बहुत अच्छा है, चारों तरफ हरियाली भी अच्छी है यहाँ पर, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं जाती। और ये कहना चाहते हैं कि कोरोना और गाइडलाइन भी जारी हुई है, और हिसाब से डॉक्टर इस समय कोरोना से प्रभावित होकर अभी ज्योति कलश की स्थापना जो यहाँ किया गया है और दर्शन की तो सुविधा प्रदान की गई है तमाम गाइडलाइन के हिसाब से। और भी ज्योति कलश इनका है जो मंदिर के माता जी के पास किया गया है, बाकी तेल का भी ज्योति कलश है, तेल कलश मंदिर 8 से 27 ज्योति कलश।